तीसरा टाइप है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा। सीपी का मतलब है बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी ये सॉलिड किस चीज से मिलके बना हुआ होगा। मेटल से मिलके बना होगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन मेटल से मिलके बना होगा, जैसे मान लीजिए हमने आयरन सॉलिड की बात कर ली, चाहे कॉपर सॉलिड की बात कर ली, तो कॉपर कॉपर के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा? नहीं, डिस्पर्सन फोर्स या वंडर वाल फोर्स जो है वो तो कोवेलेंट कंपाउंड में लगता है। किसमें लगता है? यहाँ हम जनरली बोलते थे मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलते थे? मेटालिक। अच्छा, तुम लोग केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन जानते हो? क्या होता है केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर पार्टिकल्स टूगेदर। यानी बॉन्डिंग भी एक प्रकार का क्या है बेटा? फोर्स ही है। तो या तो यहाँ अगर फोर्स की बात करें तो हम लिख देंगे मेटालिक बॉन्डिंग, सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखते हैं, जस्ट मेटल नहीं लिखना है, मेटल भी तो एटम ही है एक तरह से। तो जस्ट मेटल नहीं लिख रहा आपको, एक्चुअली इसमें ना पॉजिटिव आयन्स होते हैं। मेटल के पॉजिटिव आयन्स होते हैं। कौन होते हैं? पॉजिटिव आयन। वो चारों तरफ जो है घिरे होते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन का समंदर है। किसका समंदर में पानी स्थिर रहता है या फ्लो करता है? मोबिलाइज रहता है। तो मेटल में करंट फ्लो होते हैं कि नहीं? अरे मेटल कंडक्टिंग नेचर का होता है बिटिया, करंट फ्लो होता है मेटल में। किसके फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है मेटल में? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहना चाहिए या मोबिलाइज होना चाहिए? हाँ, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग तरीके से लिखना है। पॉजिटिव आयन्स, वो पॉजिटिव आयन्स किसका रहता है? मेटल का रहता है। पॉजिटिव, जिसे हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल। हाँ, पॉजिटिव आयन्स ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिख देंगे कर्नल, इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये शॉर्ट में क्या लिखा है हमने? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन्स ऑफ मेटल कर्नल इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, जैसे ऐसा करते हैं, हमारे पास मान लीजिए कि मेटल का एक लैटिस है, मतलब एक टुकड़ा है, ऐसे समझ लेते हैं। तो उसमें सपोज हमारे पास सोडियम मेटल है। क्या है? सोडियम मेटल। तो सोडियम का जो वैलेंस शेल है, टोटल अगर मैं सोडियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2-8-1, ऐसा होता है क्या? तो इतना पार्ट वैलेंस शेल तो ये है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? कोर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के अंदर वाले सारे। और न्यूक्लियस होंगे ना, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो? तो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया ना, और ये प्लस वाला चार्ज, ठीक, ये पूरा हिस्सा को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन्स ऑफ मेटल या कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। और ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सिस्टम में क्या रहता है? डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज मतलब मोशन में रहता है। किस में रहता है? तो हम लोग क्या, इसका डायग्राम अगर थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, तो ये हमारा पॉजिटिव आयन्स है, ये तो फिक्स्ड रहते हैं बच्चों। क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? फिक्स्ड, यानी कि रेस्ट में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मेटालिक बॉन्डिंग कैसा होता है। तो पॉजिटिव आयन्स क्या होते हैं? रेस्ट में। या सीधे सीधे ये ध्यान रखिए, पॉजिटिव आयन्स ऑफ मेटल, जैसे सोडियम है तो सोडियम प्लस, ठीक। और जो एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा, सोडियम प्लस समझ लो एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस समझ लो एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस समझ लो एक इलेक्ट्रॉन। ये बस दिखाने का तरीका है डायग्रामेटिकली। मान लो मैग्नीशियम होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ Mg2+ होता, पर 2+ डायग्राम में 2+ नहीं बनाते, सीधे प्लस का मतलब है पॉजिटिव आयन्स।
और वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? अरे बोलो भैया, ये पहला लेयर है, वैसी इसके ऊपर दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा, चौथा लेयर होगा। बहुत ज़्यादा होगा लेयर तब जा कर के इतना मोटा या बहुत सारा मोटा, आपका जितना लेयर रखेंगे उस हिसाब से लैटिस होगा। यह तक समझ में आ रहा है? अब ये वाला लेकिन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। ये कहाँ रहता है? रेस्ट में। और ये क्या रहता है? मोबिलाइज्ड, या कह सकते हो डीलोकलाइज्ड। ठीक है, ये मेटालिक बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, पहला लेयर है ये, इसके ऊपर कौन सी लेयर? दूसरी लेयर। दूसरे के ऊपर कौन सा लेयर? तीसरा लेयर। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान समझिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला मेटल के लिए डायग्राम बनाया है। ठीक है सर, रास्ते में मैं जा रहा था, एक मेटल का टुकड़ा मिल गया, क्या मुझे करंट के छूऊंगा तो करंट के झटके लगेंगे? नहीं लगेंगे, लेकिन वो तो कंडक्टिंग नेचर का है। लेकिन क्या करंट के झटके लगेंगे मुझे छूने से? क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप कोई भी मेटल का अगर आप टुकड़ा लिए हो सपोज, तो जितनी इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उतनी ऑन एन एवरेज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसकी? जीरो है। नेट करंट फ्लो क्या है? जीरो है। सही है ना? अच्छा, लेकिन ये मेटल का टुकड़ा हमको मिल गया रास्ते में, जा रहे थे कबड्डी खेलने शाम को, तो फिर इससे मैंने क्या करा, एक अलग से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझो एक बैटरी लगा दिया, प्लस वाला टर्मिनल और माइनस। बड़ा वाला टर्मिनल कौन सा होता है, छोटा वाला माइनस। यहाँ तक सही है? तो फिर ये जो निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने रेस्ट में लिखा है या मोशन में लिखा है? तो ये तो फिक्स्ड ही रहेंगे बच्चों, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस किधर आने लगेगा? मोशन में आने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर आने लगेगा? मोशन। जब ये स्विच ऑफ है, क्या है? स्विच ऑफ है, मतलब बैटरी नहीं लगाया, तो फिर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहता है। कैसे रहता है? सही है ना? लेकिन जैसे ही ये बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है पॉजिटिव वाली टर्मिनल की तरफ हो जाएगी। सही है ना? तो अभी तो मैं ये जरूरी नहीं कि मैं यही बनाऊं, पहले तो इलेक्ट्रॉन जहां तहां था, मतलब कैसा था? रैंडम मोशन में था। जरूरी नहीं कि एकदम यहीं पे बनाना है डिट्टो, एकदम सर का कॉपी ही करना है। पहले कैसा था? रैंडम मोशन। कैसा था? छत पे पानी, तो मोशन उसका कैसा है? रैंडम। लेकिन जब उस पानी को एक धार बना करके नीचे गिराने लगते हैं तो एकदम फ्लो आने लगता है ना, ऐसे आता है कि नहीं? तो उस तरह से पहले कैसा होता है? रैंडम मोशन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? एक जैसा। बोलो भैया, इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें वायर के थ्रू अंदर एंटर करेगा। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया कि जो हमारा वायर है यहाँ पे, इसके अंदर ठीक है बाहर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, अंदर कॉपर वायर है या जिस भी कॉपर का ही है वैसे, तो अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट फ्लो हो रहा होगा, तो एक समय के बाद उस वायर में से कॉपर में से सारी इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगी एक दो साल बाद, तो क्यों जी? लेकिन गायब होती है क्या? नहीं। तो क्या होती होगी? जैसे इस छोर से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो दूसरी छोर से वापस एंटर भी तो कर रहा है। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? ये लाइन समझ में आया क्या? लेकिन इसी रास्ते में अगर बीच में हमने बल्ब आलू लगा दिया तो बल्ब हुआ है, जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, बल्ब जल गया। अरे ये तो काम होता है। तो मैंने ये दिखाया कि पहला तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम समझ में आया, पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब दूसरा, आगे हम पॉइंट लिखेंगे कि मेटल कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सॉलिड स्टेट में भी ये मेटल कंडक्टिंग नेचर का होता है, पिघलाने पर भी होगा, पिघलाने पर भी होगा। सही है ना? अच्छा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया ना। इसमें अगर हमसे कोई बोले कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स का नाम बतलाइए, किसका नाम बताइए? इंटर मॉलिकुलर फोर्स का।
तो देखिए क्या नेगेटिव चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन में है ना, तो कूलम्ब रेस्ट में अगर आता तो हम बोलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कौन सा बोल लेते हैं? स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो यहाँ इसलिए फोर्स सिंपली मेटालिक बॉन्डिंग ही लिख देते बेटा, बॉन्डिंग इज आल्सो ए फोर्स, मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ फोर्स का नाम ही क्या लिख देंगे अपन? मेटालिक बॉन्डिंग। अभी मैं सारा कंप्लीट करता हूँ, फिर तुम्हारे मन में जो डाउट आएगा पूछना, शायद डाउट का जवाब मैं ऑटोमेटिकली दे दूँ। ठीक है, यहाँ तक सही है? तो मेटालिक बॉन्डिंग लिख दिया आपने, कंस्टेंट पार्टिकल्स भी हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं जरा। तो बहुत सारा मेटल, तो आप बहुत सारा जितने भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है सब मेटल ही है। एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटालिक ही नेचर के। और हैवियर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक मेटल ही होते हैं ना जी? यस सर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा जनरली हम हाई लिखेंगे, बट आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। क्यों? जैसे सोडियम है बेटा, तो सोडियम में जो मेटल है ना हमारा, उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है, है कि नहीं? एक ही। तो उसमें मेटालिक बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। मैग्नीशियम में ग्रुप टू वाले में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, एल्युमिनियम में तीन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उस बात पे डिपेंड करेगी। मैं आपसे एक उंगली से हैंड शेक करता हूँ, फिर दूसरी उंगली से करता हूँ, पूरी पांचों उंगली से करता हूँ, कब ज़्यादा स्ट्रांग है? बस हो गया। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल्स, सही है? जैसे कोई, अगर मैं यहाँ हाई लिख दूंगा तो कोई बच्चा एक कमेंट कर सकता है, सर सोडियम तो बहुत सॉफ्ट होता है, एस अल्कली मेटल का तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। बट ज़्यादातर मेटल का जो लिस्ट है अपने पास, वो डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेटल है। एस ब्लॉक में तो दो ही हुआ ना, ग्रुप वन ग्रुप टू, डी में तो 10 ग्रुप हो गए है ना, और एफ वाला ले लो उधर भी मेटल ही है। तो उन सब का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर अपने पास एस ब्लॉक को छोड़ दे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ही है। तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम बोल देते हैं कि हाई होता है, बट इसलिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, बट एक लाइन में हाई कह सकते हैं। ठीक है, और फिजिकल नेचर जो है मेटल, तो जनरली हार्ड होते हैं, बट ऑब्वियसली हार्डनेस भी डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। सोडियम वगैरह क्या होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? सोडियम सॉफ्ट, सही है ना। बट ज़्यादातर मेटल ऑब्वियसली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, तो फिजिकल नेचर हम जनरली लिखेंगे बेटा हार्ड। और ब्रिटल हैं या मैलिएबल होते हैं? हम आयरन को या किसी भी मेटल को अगर ठोकेंगे ऊपर से, तो ठोक ठोक के क्या बना सकते हैं? सीट्स बना सकते हैं, है ना। डक्टाइल का मतलब हुआ उससे वायर निकालना, ठीक है, मैलिएबल एंड डक्टाइल। यहाँ ब्रिटल नहीं लिखना है, सही है ना। अब सिक्स आपको बताना है इलेक्ट्रिकल नेचर। इलेक्ट्रिकल नेचर बताना है, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है बच्चों। सारा पॉइंट हो गया, कोई छूट रहा है क्या? ठीक है, तो इसे आप नोट करो, मैं उधर तब तक मिटा लेता हूँ। हाँ सर, एब्सोल्यूट जीरो पे भी कंडक्टिविटी शो करेगा?
मेटल जो होते हैं बेटा जनरली एब्सोल्यूट जीरो पर सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या सर जीरो केल्विन पे मेटल कंडक्टिविटी शो करेंगे? दोस्तों मैंने पीछे लेक्चर में बताया था जीरो केल्विन पे हर प्रकार की मोशन जीरो हो जाती है एक्सेप्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जीरो नहीं होता है, बल्कि मेटल जो है जीरो केल्विन पे सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पढ़ना है कोर्स में, बैंड थ्योरी। क्या पढ़ना है? हाँ, तो जो नूतन वाली किताब है उसमें तो बैंड थ्योरी शुरू में दे रखा है, 4-5 पेज पहले ही। तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर का अभी तो अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं हुआ है, अपना एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। सीक्वेंस वही ठीक है, लास्ट में ही पढ़ना चाहिए। तो बैंड थ्योरी से हमें पता चलता है कि कैसे कोई कंडक्टिंग नेचर शो करता है, ठीक है ना। खाली अभी इतना चाहे तो लिख लो, जब इसने एक क्वेश्चन पूछ ही दिया है तो लिख लो, एट जीरो केल्विन मेटल्स बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब हो गया इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है, क्यों घटती है आगे बैंड थ्योरी में बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए कम टेम्परेचर सबसे कम क्या हो सकता है, 0 केल्विन कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, तो इस पे कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी इस पे इसकी जो रेजिस्टेंस हो जाती है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, जीरो ही हो जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि हर प्रकार का मोशन सीज हो जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोशन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है, कोई रुकावटें पैदा नहीं होती, ठीक। तो रेजिस्टेंस ही क्या हो जाता है, जीरो, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ही हाई। अभी फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है, बाकी बैंड थ्योरी में डिस्कस होगा, उसे उतारिए आप। मतलब हाई लिखना है, दोनों बहुत करेक्ट है, एक तो डिपेंड्स ऑन नेचर, ये तो सही बात है ना, ये तो पूरा ये लाइन ज़्यादा व्यापक स्तर पे लिखा है ना, ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा सत्य, तो कौन सा बेस्ट आंसर है, ये है। और अगर जैसे बच्चे के मन में ना बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सर ये होता तो क्या होता, सर ये होता तो क्या होता, जैसा भी होता मैं सब क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा, अगर मैंने नहीं किया फ्रेम तो वैसा नहीं होगा, इतना ध्यान रखो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसा भी होगा वो मुझे पता है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि सर तो ऐसे लग रहा है किताब की ही भाषा बोल रहे हैं, जो मैंने लिख दिया किताब में बिल्कुल वैसे ही छपा हुआ मिलेगा आप। नेक्स्ट लिखना है फोर्थ, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, और क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड से मतलब ये है, नाम क्यों ये पड़ा है, नाम इसलिए पड़ा है कि जो सॉलिड स्टेट में इसका एग्जिस्टेंस है वह कोवेलेंट बॉन्ड के होने के वजह से है। किसके वजह से है, अर्थात जब हम ऐसा कोई सॉलिड सोचिए, जिसको आप पिघलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पिघलाना, मेल्ट करना चाहते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ जाए, ऐसा कोई सोचिए सॉलिड जिसको मेल्ट करने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पर मजबूर होना पड़ जाए। जैसे डायमंड, डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड होता है, होता है, यह कार्बन भी फर्दर 4 कार्बन से सराउंडेड होगा, एक पीछे है ना, 1 2 3 4 हो गया ना इस वाली के, वैसे ये कार्बन भी 4 कार्बन से सराउंडेड होगा, इस कार्बन से 1 2 3 4 हो गया ना,
और इस तरह से जायंट मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़ा विशालकाय नेटवर्क होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्या रहेगा बेटा? नेटवर्क रहेगा। अगर हम डायमंड को पिघलाना चाहते हैं, ठीक है ना, डायमंड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, सी लिख देते हैं, ब्रैकेट में डायमंड लिख देते हैं और एस फोर सॉलिड। जब मैं इसको पिघलाऊंगा तो सी ही लिखूंगा, डायमंड ही लिखूंगा, और लेकिन यहाँ सॉलिड की जगह क्या लिख दूंगा? लिक्विड। अरे ये तो लिखूंगा। तो जब आप डायमंड को मेल्ट करेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ना होगा, ये सारे के सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और कार्बन फिर जो है लिक्विड स्टेट में आएगा। यस सर नो? अरे बोलो भाइयों, ध्यान समझिए। अगर मैं आइस को पिघलाना चाहता हूँ, किसको? तो आइस के अंदर क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए होता है। वैसे ही मैंने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर भी बताए थे आइस किस तरीके से रहता है। ये भी हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें तो यह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रहेगा। वैसे ये ऑक्सीजन भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से रहता है। मैं बस इतना बात समझाना चाहता हूँ, जब आप आइस को मेल्ट करते हो तो जल्दी आइस को मेल्ट कर सकते हो घर में कि डायमंड को? तो क्यों, क्या आइस को मेल्ट किया तो ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, ये टूटा होगा, ओ और एच मिला होगा? क्या आइस को पिघलाते ओ अलग मिलता है और एच अलग मिलता है? नहीं बेटा, ये नहीं टूटता है, सिर्फ कौन सा बॉन्ड टूटता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान समझना क्यों मैं इतना डिटेल से थोड़ा सा अंदर तक घुस रहा हूँ, क्योंकि जैसे लिखा होता है कोवेलेंट सॉलिड, बच्चा सोचता है कि उसके अंदर होगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड तो यहाँ भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना। अरे बच्चा लोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो देखिए, ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, ये हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है और इस तरह से कौन सी बॉन्डिंग हुई? कोवेलेंट हुई ना, शेयरिंग वाली। लेकिन ये बॉन्ड थोड़ी टूट रहा है। जो बॉन्ड टूटे पिघलाने पर उस सॉलिड का नाम उसी वही रखा गया है, उस सॉलिड का नाम। मैंने पहले दिन बोला था, शायद दूसरे दिन, है ना ये बात, कि जो बॉन्ड मेल्ट करने पे टूट रहा है उसी के आधार पे उसका नाम रखा गया, क्योंकि सॉलिड में होने या न होने का जो बेस है, आधार है, वो वही इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो आइस सॉलिड में होने का वजह क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन डायमंड किस वजह से भैया? ड्यू टू सो मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है? और चूंकि इसको पिघलाने के लिए इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगा। बाप रे बाप, है कि नहीं? जितना भी टाइप हमने पढ़ लिया उसमें सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? यही नेटवर्क सॉलिड जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। बोलो। तो चलिए हम लोग हेडिंग लिख लिए बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड नेटवर्क सॉलिड, राइट। जब आप, अगर आपको ये समझना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम तोड़ देंगे और कहेंगे कि तुम हो कौन? एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कौन हो भाई? देखिए जैसे NaCl है हमारे पास, है ना, तो इसके बीच जो फोर्स है इसको तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? आयन। यानी आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? आयंस। जल्दी बताओ क्या होता है? आयंस। लेकिन जब मैं डायमंड की बात कर रहा हूं दोस्तों, डायमंड की बात कर रहा हूं, तो जब आप इसके सारे बॉन्ड्स तोड़ेंगे पिघलाने के लिए तो तोड़ने ही पड़ेंगे ना। बोलो भैया, तो क्या मिलेंगे आपको? एटम। तो इसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या लिखा जाता है बेटा? एटम्स लिखा जाता है। एक जगह और एटम्स लिखा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, उसमें तो खैर मॉलिक्यूल भी लिखा था। ये लाइन सबको समझ में आ गया कि क्यों हमने एटम लिखा है? ठीक है, एटम्स हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहां हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बोल देंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बोल देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर
एग्जाम्पल जो है ना इसमें दो कैटेगरी का है। एक तो एग्जाम्पल वो है जो कंडक्टिंग नेचर का है और थोड़ा सॉफ्ट होता है, और एक वो है जो हार्ड होता है, कंडक्टिंग नेचर का नहीं होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के अंदर हम टाइप वन ले लेते हैं और टाइप टू। ठीक है, ठीक है, पहले टाइप वन लेते हैं, लाइक डायमंड, ऐसे लिखे जाता है कार्बन डायमंड कॉमा देके एस फोर सॉलिड। डायमंड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए आप हल्का सा बना लो। बुक्स में तो बहुत बड़ा बना होता है, अपना काम भर जिससे कि मैसेज कन्वे हो जाए कि क्या है ये। ठीक है ना, उतना ही बनाएं। प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है बच्चों? तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कार्बन की? sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसमें मैं एग्जांपल में भी ना मैं ए लिख देता हूं। सबके स्ट्रक्चर पूरा जानना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल आप ध्यान रख लेना। ठीक है, डायमंड का ही जैसा होता है सिलिकन कार्बाइड। सिलिकन कार्बाइड ठीक है, सिलिकन कार्बाइड ये आर्टिफिशियल डायमंड होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल डायमंड। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है इस केस में, अल्ट जैसे ये कार्बन है ना, तो इसके चारों तरफ सिलिकन लगा देंगे, फिर सिलिकन के चारों तरफ कार्बन, मतलब अल्टरनेट चलेगा। क्या चलेगा? अल्टरनेट, मतलब कार्बन है अगर तो यहाँ यहाँ सिलिकन 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 सिलिकन, समझ लो। स्ट्रक्चर नहीं बुक में दिया है तो आएगा नहीं, खाली समझ लो। कार्बन है यहाँ तो सिलिकन 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 सिलिकन, फिर सिलिकन से कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन से सिलिकन, अल्टरनेट आर्टिफिशियल डायमंड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया एग्जाम्पल? इसी एग्जाम्पल के श्रेणी में आते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड ठीक है, और इसी एग्जाम्पल की श्रेणी में एक और लिख लेंगे हम लोग क्वार्टज। क्वार्टज, अगर क्वार्टज ग्लास अगर आपने लिख दिया तो कौन सा हो जाएगा? एमोर्फस सॉलिड। अगर आपने ग्लास गलती से लिख दिया तो जस्ट क्वार्टज लिखना है। जस्ट क्या लिखना है? क्वार्टज। अभी बता रहे हैं 11th में हमें एक चीज पढ़ना था कार्बन फैमिली में, किसमें पढ़ना था? सिलिकेट्स। क्या क्या चीज पढ़ना था? सिलिकेट्स। अच्छा, तुमने कुछ इसका नाम सुना है क्या? जियोलाइट का। जियोलाइट का ये जो क्वार्टज एक तरह से थ्री डायमेंशनल सिलिकेट होता है। क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ, CO2 और SiO2। CO2 का स्ट्रक्चर जानते हो कैसा होता है? ऐसा। तो कार्बन की ही फैमिली का तो सिलिकन है बेटा, क्या ऐसा बना दो इसका स्ट्रक्चर? नहीं, गलत। क्योंकि सिलिकन जो हमारा है थर्ड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है? तो पाई बॉन्ड उतना इफेक्टिव नहीं बना पाता है, कमजोर, इसलिए ये पॉलीमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन, इस तरीके से आपको नेटवर्क जैसा बनाना है। अब थोड़ा याद आ रहा होगा तुम लोगों को, ये तो अपना सभी बुक्स में बना हुआ है, स्कूल वाली किताब में भी। नहीं पढ़ पाए होंगे लॉकडाउन के वजह से, अलग बात है। इस तरीके से नीचे भी आएगा, ठीक है ना, जैसे ऊपर भी जाएगा, ये नेटवर्क रहता है, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो आपको ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सारे के सारे। तो आपको सिलिकन के एटम मिलेंगे, ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ? एटम, भले दो टाइप का है यहाँ, है ना। पत्थर देखा है क्या? तो उसके अंदर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं सिलिकेट होते हैं, रॉक वगैरह में।
प्यूमाइस स्टोन सुना है आप में से कोई? प्यूमाइस स्टोन नहीं सुना है? ईजी डे वगैरह कभी गए हो? यस सर। अच्छा, या ब्यूटी पार्लर वगैरह में? तो उसमें ना कुछ के ना हील जो होते हैं एड़ी, फटते हैं, फटना समझते हो ना थोड़ा, तो वो एक पत्थर जैसा आता है उसमें थोड़ा पोरस होल्स होते हैं, तो उसको रब करते हैं ना तो फिर सही हो जाता है। उसमें स्टोन जो लगा होता है एक तरह से वो जियोलाइट ही होता है, मतलब ये सिलिकेट ही होता है। वैसे तो ये कलरलेस ही होता है, वाइट ही होता है, लेकिन उसमें अलग अलग कलर आ जाते हैं गंदगी के वजह से, ठीक है ना। तो ये जो हमने लिखा एग्जाम्पल जो टाइप फर्स्ट है ना, इसी फर्स्ट टाइप के ही फीचर्स मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। इनका मेल्टिंग पॉइंट तो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इंसुलेटर होंगे ये, कैसे होंगे? इंसुलेटर होंगे ये, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, इंसुलेटर होंगे ये। हार्ड होंगे ये, डायमंड हार्ड होता है सॉफ्ट। ब्रिटल तो होंगे, मेटल को छोड़ करके सभी ब्रिटल होते हैं, ठीक है बेटा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स लिखी दिया आपने, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आते हैं एग्जांपल टाइप टू। एक ही आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट। कौन सा एग्जांपल? ग्रेफाइट, मतलब ऐसे लिख देंगे कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, एस फोर सॉलिड। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट में कई लेयर्स होते हैं, तो ये पहला लेयर है। ऐसे पूरा चलेगा इस लेयर में, ये एक लेयर हो गया, इसके ऊपर होगी दूसरी लेयर, तीसरी चौथी नीचे भी होगी। तो हम लोग दो तीन लेयर बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं। या ऐसे समझ लो ये पहला लेयर हो गया, नीचे ऐसी बॉक्स बना लेते हैं, दूसरा लेयर एक ऊपर से ले लेते हैं, लेयर जगह हमारे पास कम है ना, तो ऊपर से एक ले लेते हैं। इतना ही में समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे और भी लेयर्स होंगे, डायग्राम बनाने आता नहीं एग्जाम में, समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? क्यों ऐसा कार्बन पिक करिए, कितने दिख रहे हैं? तीन। लेकिन कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, तो तीन तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। जो फोर्थ वाली बॉन्ड होती है वो पाई बॉन्ड बनाती है, क्या बनाती है? पाई बॉन्ड। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा देना, जैसे यहाँ आपने डबल लगाया ना, फिर यहाँ सिंगल कर लो, यहाँ डबल कर लो, यहाँ डबल यहाँ सिंगल, या तो आप यहाँ डबल बना लो चाहे यहाँ बना लो, इससे कोई टेंशन नहीं। अब इसे मैंने यहाँ डबल बना दिया, तो यहाँ नहीं बनाना है, अब यहाँ बना देना है, एक एक रहने देना है, अल्टरनेट करना है, ठीक है। डबल आ गया, सिंगल आ गया, अब यहाँ डबल कर लो, ठीक है। वैसे ये डबल है सिंगल है, इधर डबल ले लिया, डबल है सिंगल है, यहाँ डबल ले लिया, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल ले लिया सिंगल ले लिया, डबल कर लो, डबल है सिंगल है, और यहाँ करेंगे तो दो लगातार हो जाएंगे ना, लगातार नहीं लेने हैं, फिर इधर अपना साइड में हो जाएगा, ठीक है ना, इधर भी तो रिंग बनेगा ना। अरे बोलो भैया, समझ में आ रहा है क्या? तो ये पहला लेयर हो गया, वैसी इधर नीचे भी लेयर होगा, और भी होंगे इस लेयर के ऊपर ऊपर ऊपर, बहुत सारे लेयर है बोर्ड में, तो ऐसे बना के दिखा रहे हैं, मतलब हवा में ऐसे कैसे बनाएंगे? तो किताब कॉपी में तो ऐसे ही बनाएंगे ना आप, है ना जी।
अब क्या होता है कि इस कार्बन कोई सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इस केस में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तीन है और एक पाई बॉन्ड, इतना तो आप जानते हो कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, अब देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है क्या, थोड़ा बहुत रेजोनेंस का नाम सुना है क्या? Yes, तो ये क्या रहते हैं बच्चों, रेजोनेंस में रहते हैं, रहते है कि नहीं, पूरा आप देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल वैसी डबल होते रहेगा और ये आगे इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये लेयर इस लेयर के बीच, इस लेयर इस लेयर के बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती है बच्चों, कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्शन फोर्स, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स में कौन सा फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, जिसे हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, मतलब एक तरह का है VDW यानी कि वंडरवाल फोर्स। ये पहला लेक्चर में मैंने कराया है, जिसका छूट गया है वीडियो देख लेना, वंडरवाल फोर्स। वैसे इसके बीच भी कौन सा फोर्स रहेगा, वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, एग्जैक्ट तो नाम हो गया डिस्पर्शन फोर्स, उसी का वंडरवाल का टाइप है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है कार्बन का जो पाई बॉन्ड बनाया है, होल सीट में क्या रहता है, डी लोकेलाइज थ्रू रेजोनेंस, होल सीट में क्या रहता है, डी लोकेलाइज थ्रू रेजोनेंस। किसी एक रिंग को देखेंगे तो आपको लगे कि बेंजीन से रिसेम्बल कर रहा है, मिलता जुलता है, खाली बेंजीन में C6H6 है, हाइड्रोजन भी 6 रहता है, बट उसके बदले इधर साइड में क्या है, कार्बन से बंधा हुआ है कि नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे बेंजीन रिंग को हमने फ्यूज कर दिया है, बट यहाँ एक लेयर है, वैसे यहाँ भी लेयर है, यहाँ भी लेयर है, इसके ऊपर भी है, तो ये इन ए पर्टिकुलर लेयर, मतलब बिटवीन लेयर नहीं मैं बोल रहा हूँ, इन ए पर्टिकुलर लेयर रेजोनेंस के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डी लोकेलाइज हो रहे हैं। तो लेयर के एक छोर से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड की तरफ करंट फ्लो होती है, अगर मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो एक लेयर से दूसरी लेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं जंप मारती है, मतलब ऐसा नहीं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाली रिंग में घुस जाएगा, यहां भी तो ऐसा ही फोटो होगा ना, तो ऐसा नहीं कि ये वाली इसमें घुस जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स है, डिस्पर्शन फोर्स है, कौन सा फोर्स है, तो विद इन द लेयर रेजोनेंस हो रहा है, तो करंट फ्लो जो होता है along the layer, not across the layer, एक लेयर से दूसरी लेयर में नहीं, within the layer current flow होता है, ये छोटी सी बात है, ऐसा नहीं कि पहली लेयर से दूसरी लेयर में। हाँ, लेकिन एक बात देखने को बहुत अच्छी बात है कि पहली लेयर दूसरी लेयर को कौन सी फोर्स पकड़ रखा है, डिस्पर्शन फोर्स। ये कैसा फोर्स है, वीक फोर्स की स्ट्रॉन्ग फोर्स, यही वजह है कि ये सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर का होता है, क्योंकि पहला लेयर दूसरा लेयर के बीच का फोर्स कैसा है, वीक फोर्स है, तो स्लिपरी नेचर का होता है ग्रेफाइट। क्यों होता है स्लिपरी नेचर का, क्योंकि इन ग्रेफाइट बिटवीन टू लेयर देयर इज ए वीक वंडरवाल फोर्स, सो कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्स। सही है बच्चों, और करंट किस वजह से फ्लो होता है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड तीन बनने के अलावे जो चौथी इलेक्ट्रॉन है क्या बना रही है, पाई बॉन्ड। तो भैया पाई बॉन्ड बनाने से क्या हुआ, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा वैसा नहीं है, थ्रू आउट द विद इन द लेयर क्या है, डी लोकेलाइज्ड है, तो उसके वजह से एक छोर से दूसरी छोर तक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू जाता है। अच्छा, ग्रेफाइट दोस्तों एरोमेटिक होता है, क्या होता है, एरोमेटिक। इसमें एक दो बात और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, मैं अब इसके लिए ये पॉइंट मॉडिफाई करता हूँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो डायमंड से भी ज़्यादा होता है ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट, अभी कारण पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि डायमंड से भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट, लेकिन क्या होता है, कंडक्टर, और इस केस में अपने को क्या लिखना है, हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट। तो यहाँ मैं आपको यही कह रहा था, एग्जाम्पल के हिसाब से ये स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए वहाँ मैंने एग्जाम्पल की टाइप वन कर दी, टाइप टू कर दी, ये टाइप टू यानी ग्रेफाइट के लिए सारा बात है, ठीक, और पहले वाला बात उन सब के लिए था जो मैंने तीन एग्जाम्पल कोट किए थे।
और ये ब्रिटल तो ये भी होंगे, स्लिपरी नेचर के होते हैं। और ये एरोमेटिक भी होता है, क्या होता है? एरोमेटिक, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है दो प्रकार की बॉन्ड लेंथ होती है, कितने प्रकार की? एक तो विद इन द लेयर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी कुछ लंबाई होगी, होगी कि नहीं, और एक जो होगी पहला लेयर से दूसरा लेयर के बीच जो कार्बन है, भाई इसमें भी तो ये चीज होगी ना, तो इस लेयर का कार्बन इस लेयर के कार्बन जो सीध में आएंगे ना, जैसा ये लेयर होता है ना दूसरा लेयर भी पैरेलल ही होता है, ठीक है। तो इस लेयर के और इस लेयर के कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अलग होगी, और ये जो कार्बन कार्बन है वो क्या होगी? अलग होगी। अरे बोलो भाई। और इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, एक क्या है? सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? दिख रहा है? तो डबल बॉन्ड क्या होता है? छोटा। सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है? लार्ज होता है। ये नहीं जानते हो? हाँ देना, अब यहां से यहां तक मेजर कीजिएगा। अब देखो मैं पास आया ना, देखिए डबल बॉन्ड बनाए जी। डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटम थोड़ा सा पास आता है साइडवेज ओवरलैप करने के लिए, तो लेंथ क्या हो जाती है? छोटी। देखो पास आया था, मैं जूता आगे बढ़ाया था। अब देना, देखिए आराम से। हेलो हाउ आर यू? अब देख तो इसमें एक तो दो तरह की तो ये हो गई, और ये वाली जो लेंथ होती ना पहली लेयर दूसरी लेयर, ये कैसी बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग की वीक? अब देना हाँ जरा, देखिए एकदम टच कर रहा है हल्का सा, बस यहीं से। हेलो हाउ आर यू? ओके, देखिए बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं है, एकदम लूज है। तो ये लेंथ सबसे ज्यादा होती है, बल्कि यूं कहें कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ है ना सिंगल वाली, उससे डबल से भी ज्यादा ये लेंथ होती है, ये वाली लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो लेंथ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिशन में कि ये लेंथ बड़ी है कि विद इन द लेयर, तो दो लेयर के बीच वाली लंबाई अधिक बड़ी होगी, क्योंकि तो फुसफुसिया बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग होता तो छोटा लेंथ होता। आपको मैं एक चौक देता हूं, छोटी चौक। कौन सी चौक? छोटी चौक। और दूसरे हाथ में देता हूं बड़ी चौक। कौन सी चौक? अब कहता हूं तोड़ के दिखा। किसे तोड़ के दिखा देगा जल्दी? बड़ी वाला। यानी ये नियम है, बड़ी चौक क्या होती है? कमजोर। छोटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। कुछ याद ही नहीं करना है, ये तो कितना देसी है यार। तो ये वाला लेंथ क्या होता है? लार्ज होता है, सही है ना? अच्छा, डिस्पर्शन समझ में आ गया, वीक फोर्स समझ में आ गया। स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि दो लेयर के बीच कौन सा फोर्स लगते हैं? वीक वान डर वाल फोर्स। अब कौन मुझे बताएगा जवाब कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? ये मत सोचो कि दिल क्या कहता है, क्योंकि बच्चा तो सोचता है ग्रेफाइट पेंसिल लिखता हूं टूट जाता है, और डायमंड की अंगूठी वाह वाह गिरता भी है तो फूटता उठता नहीं है। तो बच्चा को क्या लगेगा? कि डायमंड की अंगूठी का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ग्रेफाइट तो टूट पूंजी है, आए दिन हमारा पेंसिल में से टूट जाता है, क्यों भाई? लेकिन अभी फोटो देख के बताइए, स्ट्रक्चर देख के बताइए, जब इसको पिलाएंगे डायमंड को क्या करना होगा? सिंगल बॉन्ड तोड़ने होंगे, हाँ या ना? और इस केस में ये इसको तो तोड़ना ही है, सिंगल भी तोड़ना है, डबल भी तोड़ना है। बाप रे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा है कि नहीं? इसलिए ग्रेफाइट का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉफ्ट होना अलग चीज है, हाई और लो मेल्टिंग पॉइंट अलग चीज है, सॉफ्टनेस अलग चीज होता है। समझ में आ रहा है क्या? सूखा पत्ता छुएंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ऐसे पकड़ेंगे टूट जाएगा, लेकिन जो हमारा प्लास्टिक का वायर है छूने में सॉफ्ट लगता है। तोड़ के जरा देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो छूने में मुलायम दिखे वो बेचारा एकदम, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का ही ज्यादा होता है। इसलिए ऐसी मशीन जो दिन रात चल रही है, वेरी हाई टेम्परेचर पे रन कर रही है, उसमें लुब्रिकेंट के तौर पे हम ग्रेफाइट इस्तेमाल करते हैं।
टिस्को का नाम सुना है क्या? टिस्को टिस्को टाटा टेलको टिस्को नहीं सुना है? अच्छा स्टील कंपनी तो कोई होगी दुनिया में? अच्छा तो स्टील वाला जो कंपनी होगी तो दिन रात मशीन चलते रहता होगा, तो उसका मशीन चलते चलते गर्म होता है कि नहीं? Yes, होता है। तो उसमें जो पार्ट पुर्जे हैं उनमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। Yes, क्या लगा दूं? पाउडर लगा दूं? मोबिल आयल लगा दूं? पेट्रोल मोबिल आयल लगाएंगे बेटा, तो इतना ज़्यादा वो दिन रात चल रहा है, हाई स्पीड से चल रहा है, क्योंकि उसे लोहे को कट करना है, कुछ भी करना है ना। तो मोबिल आयल तो तुरंत लिक्विड है, लिक्विड से वेपर में चला जाएगा, तुरंत आग लग जाएगी। मोबिल आयल यूज नहीं कर सकते। मतलब कैरम बोर्ड खेलना है तो उसमें तेल लगा के खेलेंगे क्या कि पाउडर लगाएंगे? हर चीज़ के लिए लुब्रिकेंट अलग ना होता है जी? हर चीज़ के लिए एक ही होता है क्या? तो इस तरह से मशीन जो अधिक तापमान पे रन कर रही है उसके लिए हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, क्योंकि एक तो पाउडर फॉर्म में यूज कर लेंगे, स्लिपरी भी है, वाह वाह वाह, फ्रिक्शन को कम कर देगा, और कंबसन इसका बहुत हाई टेम्परेचर पे, ये तो मेल्ट ही करेगा हाई टेम्परेचर पे, तब जा करके जलने की बात सोचेगा। आया समझ में कि नहीं? तो चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं नोट करके, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन मशीन्स रनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर। ग्रेफाइट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट इन द मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये आ गया समझ में? ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, हो गया बेटा कंप्लीट। ठीक, अब नेक्स्ट लिखेंगे क्रिस्टल लैटिस। अब मेन चीज शुरू हो रहा है चैप्टर का, मैथमेटिकल अध्याय। इस चैप्टर का समझ लीजिए मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होने जा रहा है, अब ज्यादा ही मजा आने वाला है। थोड़ा सा लेकिन कुछ बेसिक चीज हमें डिफाइन करना है, उसके बाद ज्यादा ही मजा आने वाला है। क्रिस्टल लैटिस, मान लीजिए इस कमरे में, क्लासरूम में पूरा भरा हुआ है ईंट, कहीं जगह खाली नहीं, थोड़ा बहुत खाली होगा जगह, या इस कमरे में हर जगह फुटबॉल ही भरा हुआ है, किसी एक प्रॉपर स्टाइल को फॉलो करते हुए। क्या अभी कभी आप फ्रूट्स जो सेल करते हैं उनके शॉप पे गए हैं? अच्छा, वेरी गुड। अब वो दो तरह से फ्रूट्स रखे होते हैं, एक तो ऐसी लोकल सस्ता वाला ऐसी टोकरी में रख लेते हैं, हालांकि वो भी अच्छा रहता है, लेकिन एक बढ़िया से सजा के कार्टून में रखते हैं और उसमें और तो और स्टिकर भी चिपका देते हैं, ताकि दूर से दिखे कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है भैया, ये बाहर का है, कश्मीर से आया है, ताकि कस्टमर देखेगा कि वाह, एक पीस खाऊंगा, एक स्टिकर हटाऊंगा, फिर देखूंगा बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, सही है कि नहीं? लेकिन वो जो कार्टून में रखा रहता है पूरा इंटरेस्टिंग है, अब बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड ये टॉपिक है, बढ़िया। तो वो जो टोकरी में मतलब कार्टून में जो रखे होते हैं, कार्टून में सजा करके वो जैसे तैसे रखे रहते हैं कि थोड़ा अरेंज मैनर में रखे रहते हैं? वेरी गुड। आप कभी अंडे का ट्रे देखे होंगे? Yes, sir. तो उसमें पहले लेयर में जो एग रखा होता है ना बेटा, ऐसे उबर खाबर गैप ऊंच रहता है ना, ऐसा कुछ ट्रे जो रहता है उसका गत्ते का बना हुआ, तो अंडे फंसे होते हैं। उसके बाद मान लीजिए उनको दूसरी लेयर में भी एग रखना ही है, तो पहली लेयर में जो एग है क्या दूसरी लेयर का एग के ऊपर ही एग रख देते हैं क्या? नहीं, थोड़ा गैप में रखते हैं, उनकी मर्जी, एग के ऊपर भी मान लो एग रख दिया तो वैसे में तो एक गिरने के चांस है, फूट जाएगा, है ना, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अरेंजमेंट कौन है, एक के ठीक ऊपर एक कि अगला लेयर डिप्रेशन में रहना चाहिए? वेरी गुड। ये तो हो गई बात कि कौन अच्छा है कौन खराब है, लेकिन यह अभी तो एक व्यवस्था हो ही सकती है कि एक के ऊपर एक रख दें, वन ऑफ द वे तो हो ही सकता है ना, एक तरीका, वो फूटे तो बाद की बात है, लेकिन एक तरीका तो हो ही सकता है। ठीक बात है, मान लो एक के ऊपर फेविकोल लगा के मैंने चिपका दिए, सही है ना, तरीका तो एक हो ही सकता है कि नहीं हो सकता, पहले ये बताओ।
अच्छा, उसी तरह से बच्चों जब हम तरह तरह के क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सपोज NaCl को ऑब्जर्व किया आपने, ग्रेफाइट को ऑब्जर्व किया आपने, आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप तो मोटे स्तर पे सीधे सीधे आप रेडीमेड डायमंड देख रहे हो। अंदर कैसे कार्बन व्यवस्थित है वो तो आंखों से नहीं ना दिख रहा है जी, कि दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है आपको, तो एक बड़ा सा लैटिस दिख रहा है। यस सर, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस क्लासरूम में जो है, इस कमरे में फुटबॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पहली लेयर में रखी हुई है, उसके ऊपर दूसरी लेयर में रखी हुई है, उसके ऊपर तीसरी लेयर में रखी हुई है, और ये पूरा भरा हुआ है कमरा। क्लियर है पॉइंट? नाउ अब यह है कि फुटबॉल किस तरीके से इस कमरे में रखा हुआ है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने फुटबॉल रखा और फुटबॉल एक कोने में रखा बेटा, ठीक, उसके बाद बगल में रखा, ऐसे रखते चला गया तो एक रो, एक क्या बन गया? रो बन गया, रो मतलब लाइन बन गया ना, रो, 1D अरेंजमेंट हो गया। कौन सा? और ऐसे ही रो फिर आगे भी मैंने फैला दिए तो 2 रो हो गए, तीसरा रो हो गया, पूरा फ्लोर में भी छा दिया तो फ्लोर को पूरा हम बोलेंगे कि लेयर बन गया। क्या बन गया? वैसे ही अब लेयर, अब मैं दूसरी लेयर इसके ऊपर चढ़ाना चाहता हूं। कौन सी लेयर? सेकेंड वाली। कौन सी? सबको बोलना है, ठीक है, सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर अब मैं इस कदर रख सकता हूं कि पहला बॉल के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा बॉल आ जाए। या दूसरा तरीका यह है कि सेकेंड लेयर में ऐसे रखूं कि पहला लेयर में जो गैप बन रहा था ना, गैप, समझ रहे हो मेरी बात, उसमें आ जाए दूसरे लेयर का स्फीयर। यस और नो? अब देखो, दुनिया में कई तरह के सॉलिड हैं, आयनिक, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड। क्या हर सॉलिड में एक ही प्रकार की व्यवस्था होती होगी? ऐसा जरूरी तो नहीं है, नहीं है। तो हमारे साइंटिस्ट एक ब्रेवियस है, 1848 में, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, 200 साल हो गया लगभग, ठीक है ना, 18 में 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2048, 48 से लगभग 20 साल कम हो गया, 25 साल कम हो गया है ना जी, तो बहुत लगभग 200 साल हो गया है ना। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ब्रेवियस उनका नाम है। क्या नाम है? ब्रेवियस, सब लिखेंगे तो उन्होंने बाद में लिखेंगे, उन्होंने डिटेल से स्टडी किया बहुत प्रकार के सॉलिड के बारे में। तो उन्होंने देखा कि टोटल नेचर में जो एग्जिस्ट करने वाले हैं 14 लैटिस हैं प्रकार के, व्यवस्था के हिसाब से। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के, वो भी बेसिक 7 यूनिट सेल से बने हैं। किससे बने हैं? क्या आप कभी अपने नानी घर गए हैं? जो पुराना मकान होगा नानी घर में, कोई नया अभी बना हो नहीं, पुराना, जब पुराना मकान बन अगर देखे होंगे आप तो उसमें छत में भी ईंट लगे होते हैं, जरूरी नहीं है, और उसमें लकड़ी का भी डिजाइन रहता है। याद आ रहा है कुछ? देखिए, आप में से कोई बच्चे गए हैं और उनका हो सकता है अभी पुराना वाला नानी घर का बिल्डिंग होगा, नया भी होगा बट पुराना भी होगा, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा उसके अंदर भी ईंट होता है ना, उसमें डिजाइन भी होता है बहुत अच्छा अच्छा। अरे बोलो, क्या दुनिया में एक ही प्रकार की ईंट आती है? कई प्रकार की आती है। जब मैं इस कमरे में ईंट भर दूं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो ये विशाल काय जो व्यवस्था बन गई है उसी को मैं बोलूंगा लैटिस। क्या बोलूंगा? और उस छोटी सी ईंट को क्या बोलूंगा? एक ईंट को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। उसी तरह से इस क्लासरूम, मैंने फुटबॉल वाली कहानी बोल रहा था, अब फुटबॉल भरते भरते कमरा भर गया पूरा, तो ये विशाल काय जो व्यवस्था है उसको हम क्रिस्टल या लैटिस बोलेंगे। लैटिस बेसिकली बहुत बड़ा होता है, उसका छोटा सा हिस्सा भी मान लो इतना हिस्सा को भी हम क्रिस्टल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल, है ना। तो क्रिस्टल छोटा डायमेंशन का भी हो सकता है, बड़ा डायमेंशन का भी हो सकता है, लेकिन जो एक छोटी सी ऐसी जो व्यवस्था है, मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक बॉल रखा, देखना ध्यान से, यहां दिखाता हूं ज्यादा अच्छा से होगा। मान लीजिए कि मैंने क्या करा, एक बॉल लिया, 1, 2, 3, 4, कितनी हो गई? 4। इसके ऊपर रख दिया 4, कितने हो गए? 8, ठीक है, 8। इसको ऐसे कट कर, देखना ध्यान से, खट 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 खट, ऊपर से नीचे से, क्या कट के सामने आ गया? क्यूब जैसा शेप का आ गया ना,
नहीं समझ में आया। बॉल से अच्छा है वाटरमेलन, गर्मी का समय है, तरबूज घर पे भी आ रहा होगा, है ना? तो देखिए ध्यान से, एक वाटरमेलन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना हो गया? चार। चार ऊपर से ले ली, कितने हो गए? आठ। लेकिन आप देखना ध्यान से, मैंने एक तो ऊपर से काट दिया, आधा से काट दिया, तो कितना ऊपर वाला सारा दिखेगा वाटरमेलन? आधा आधा। नीचे से भी कर दिया तो नीचे वाले कितना दिखेगा? आधा आधा। अरे दिखेगा नहीं दिखेगा? वैसी फिर ऐसे कर दिया और ये टुकड़ा हटा के फेंक दिया, बीच वाला भी फोकस करना है, फिर इधर से भी हटा दिया, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऊपर ऐसे दिख रहा है, नीचे से ऐसे दिख रहा है, इधर से ऐसे दिख रहा है, इधर से ऐसे दिख रहा है, ऐसी तो दिखेगा। अरे ऐसे दिखेगा ना। और वो वाली चीज ही मैंने क्या करा, ऐसी 1 करोड़ ले ली। कितनी ले ली? और वहां रख दी, एक रख दी, कट 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 पूरे इस रो में रख दी, और फिर वैसे ही अगली रो में रख दी, अगली रो में रख दी, पूरे इस कमरे में फैला दी, एक लेयर बन गया, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे वो तीसरा, तो ऐसा लगेगा कि जहां टुकड़ा टुकड़ी दिख रहा था, जुड़ जुड़ के पूरा भी बन चुका। अब अब तो पूरा बन गया होगा ना, मैंने पूरा भर दिया ना। तो वो जो मैंने एक छोटा सा क्यूब कट किया, वही हमारा क्या है? यूनिट सेल है। क्या होता है यूनिट सेल? वह छोटा थ्री डायमेंशनल पोर्शन, वह छोटा थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए लैटिस, ऑफ ए लैटिस, विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल द जनरेट्स इंटायर लैटिस। फिर से आते डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है? उस बड़े लैटिस, बड़ा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? लैटिस। छोटकू का नाम क्या है? यूनिट सेल। हाउ टू डिफाइन यूनिट सेल? हम कहेंगे इट इज ए स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन, अ स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए लैटिस, ऑफ ए लैटिस, विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द थ्री डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जेनरेट्स इंटायर लैटिस या क्रिस्टल। ठीक है, इतनी दूर तक भी जनरेट हो गया तो भी तो उसी के रिपीट होने से हुआ ना। मेरा मन है मैं कमरा इतना से बड़ा, जितना बड़ा क्लास हो उतना बड़ा लूँ, मेरा मन जहाँ तक पिलर है वहीं तक लूँ, मेरा मन वो बरकुल लैटिस या छोटकू लैटिस, थोड़ा और छोटा ले लूँ, और छोटू लैटिस, थोड़ा और छोटा ले लूँ, तो छोटी वाली को जनरली हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक ही चीज़ है डिफाइंड करने के टर्म्स में, तो एक ही चीज़ है। तो अब आते हैं क्रिस्टल लैटिस को, लेकिन कैसे डिफाइन करें? क्रिस्टल लैटिस को जब डिफाइन किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि कंस्टेंट पार्टिकल्स को पॉइंट मानते हैं। क्या मानते हैं? यानी हर वाटरमेलन को क्या मान लेंगे? एक पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो लैटिस को कैसे डिफाइन करें? इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कैसा कलेक्शन? थ्री डायमेंशनल कि वन डायमेंशनल? तो हम शॉर्ट में लिखते हैं इट इज ए थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट। एरे का मतलब अरेंजमेंट है। इट इज ए थ्री डायमेंशनल लेकिन पॉइंट्स खाली कहने से काम नहीं चलेगा। पॉइंट्स को यहां डिफाइन कर देंगे वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट पॉइंट्स रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां तक समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट क्या होता है? सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ लैटिस, लैटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो इसमें एक तो यही लिखना है, इच लैटिस पॉइंट, जो पॉइंट है उसे हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना? इच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है भैया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और लैटिस जो है उसका एक फिक्स्ड क्या होता है? ज्योमेट्री भी होता है। क्या होता है? फिक्स्ड ज्योमेट्री होता है। जब उस पॉइंट्स को हम इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, इट विल ब्रिंग्स आउट इंटायर ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस।
व्हेन लैटिस पॉइंट आर कनेक्टेड, व्हेन लैटिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड, कनेक्टेड बाय इमेजिनरी लाइंस, इट ब्रिंग्स आउट इंटायर ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, इंटायर ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। इसके बाद यहाँ के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे।